देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें क्या कहता है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड कोस बीटा इज 1/2। साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है, कोस बीटा की वैल्यू दी हुई है, एंड देन वैल्यू ऑफ किसकी निकालनी है हमें, अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, देखो कैसे करना है। देखो यहाँ पर ये साइन अल्फा इज इक्वल टू में 1/2 दिया हुआ है, तो ये साइन अल्फा ही रहने दो। 1/2 देखो साइन में किसकी वैल्यू होती है बताओ जल्दी से, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 1/2, समझ रहे हो बात को। तो साइन 30 यहाँ पर लिख देंगे हम इस तरीके से, और यहाँ साइन से साइन कैंसिल, तो अल्फा कितना आ गया, 30 आ गया। ऐसे ही कोस बीटा जो है हमारे पास ये कितना है, 1/2 है। अब कोस में देख लो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ तो कोस बीटा हो गया, कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो कोस से कोस कैंसिल, तो बीटा कितना आ गया, ये हमारे पास 60 आ गया। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल ही, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की। तो देखो यहाँ अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा कितना है हमारे पास, ये 30 आया है, और बीटा कितना आया है, 60। तो कितना आंसर आएगा बताओ इसका, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आंसर है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन डी सही है इसका, जो कि है 90 डिग्री। सिंपल था ये भी क्वेश्चन, कर लोगे इनको। ओके जी, थैंक यू।